इस बीच आपको बता, एक्सिस बैंक को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। नोएडा सेक्टर 50, सेक्टर 18 और दिल्ली के कृष्णानगर ब्रांच में 63 फर्जी खाते होने की आईटी विभाग को जानकारी मिली है। नोटबंदी के बाद इन 63 फर्जी खातों में 165 करोड़ रुपए जमा हुए। नोएडा सेक्टर 50 ब्रांच में 23, सेक्टर 18 ब्रांच में दिल्ली कृष्णानगर शाखा में 20 फर्जी खाते निकले हैं। एक्सिस बैंक की नोएडा सेक्टर 51 शाखा में दरअसल नंदू के ओर से फर्जी खाते की शिकायत के आधार पर जांच चल रही है। नोटबंदी के बाद नंदू पासवान नाम के एक शख्स के खाते में 30 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। नोएडा पुलिस ने जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी और जांच कैसे और किस आधार पर हो रही है यही बता रहे हैं नोएडा से जी मीडिया संवाददाता अमित चौधरी। केवल ऑपरेटर के यहाँ लाइनमैन का काम करने वाले नंदू के खाते में जो पैसा जमा किया गया 30 करोड़ रुपया, कंपनी बनाई गई। इस मामले की शिकायत नंदू ने थाना 49 को की थी और थाना 49 पुलिस ने इस मामले में जांच की और बैंक में जाकर पड़ताल की तो पता चला कि 29 नवंबर को लास्ट ट्रांजैक्शन की गई थी और इस बैंक खाते में करीब 30 करोड़ रुपए का लेना देना अभी तक हुआ है। सीसीटीवी फुटेज भी नोएडा पुलिस ने तलाश की लेकिन सीसीटीवी फुटेज का बैंक कर्मियों ने हवाला दे दिया कि 15 दिन के ज्यादा की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती है। लिहाजा जो रसीदें हैं, जिन रसीदों के आधार पर वो पैसा जमा किया गया था वो पुलिस को जरूर मिल गई है और जिन दस्तावेजों के आधार पर कंपनी खोली गई, बैंक अकाउंट खोला गया, वो दस्तावेज भी पुलिस को मिल गए हैं। अब इस जांच को, क्योंकि 30 करोड़ रुपए से जुड़ी जांच हो गई है, इस जांच को नोएडा की क्राइम ब्रांच को सौंपा जा रहा है और आगे की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। आपको बता दें कि इनकम टैक्स के छापे के बाद ईडी और नोएडा पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। अमित चौधरी, इंडिया 24/7, नोएडा। कैशलेस भारत की तरफ मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने पेमेंट और वेजेस एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश के तहत कंपनियां और औद्योगिक संस्थान सीधे चेक या फिर डिजिटल माध्यम से अपने कर्मचारियों के खाते में सैलरी का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि कंपनी पर कैशलेस भुगतान की कोई पाबंदी नहीं होगी और ये नियम 18,000 रुपए से कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। कैबिनेट के इस अध्यादेश पर अभी राष्ट्रपति की मोहर लगनी बाकी है। इस फैसले से मजदूरों को प्रोविडेंट फंड और ईएसआईसी की सुविधा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही फैसले से न्यूनतम वेतन कानून लागू करने और कर्मचारियों का शोषण रोकने में भी मदद मिलेगी। मेरे सहयोगी आलोक से ही जानते हैं कि डिजिटल इंडिया की दिशा में कितना बड़ा कदम माना जा सकता है। देखिए, कैबिनेट में जो आज फैसला हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला है जो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है, उसको ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया है। हालांकि सरकार ने इसे पिछले जो अभी पार्लियामेंट सेशन किया उसमें भी पास करने की कोशिश की थी लेकिन वो पास नहीं हो पाया, इसलिए सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में ऑर्डिनेंस के जरिए पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में एक बदलाव किया है। जो सेक्शन 6 है उसमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के मोड को जोड़ा गया है, यानी कि अब बिजनेस या इंडस्ट्री अपने एम्प्लॉयज़ को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए भी पेमेंट कर सकेगी, जो वेजेस हैं उसका भुगतान कर सकेगी। ये इसलिए सरकार ने फैसला लिया गया है कि 80 साल से ये कानून था और उसमें ये कैश और क्वाइन के जरिए देने का प्रोविज़न था, लेकिन उसमें चूंकि सरकार चाहती है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले इसलिए सरकार ने ये सेक्शन 6 में एक इलेक्ट्रॉनिक मोड का भी को जोड़ा है और इससे बिजनेस हाउसेस को और इंडस्ट्री को डिजिटल पेमेंट करने में आसानी मिलेगी। साथ ही साथ सरकार का ये भी मानना है कि इससे जो कर्मचारी हैं उनके अधिकारों को भी सुरक्षित किया जा सकेगा। जैसे कि अभी तक कई जगहों पर शिकायतें आती थी कि पेमेंट तो ज़्यादा लिखवाया जाता है लेकिन पेमेंट कम किया जाता है, ये समस्या है। साथ ही साथ जो ESI होता है, EPFO होता है, इनको भी लागू करने में आसानी मिलेगी। साथ ही साथ जो कर्मचारियों की संख्या है उसको भी जांच करने में मदद मिलेगी कि अगर किसी कर्मचारी कंपनी में ज़्यादा कर्मचारी है और वो डॉक्यूमेंट में कम शो कर रहा है तो उससे भी ये कह सकते हैं कि रोकथाम लग सकेगी। तो सरकार की तरफ से कहना है कि एक तो जो एम्प्लॉई होगा उसको उसके जो उसके सामाजिक अधिकार और जो सुरक्षा है वो मदद मिलेगी, साथ ही साथ बिजनेस हाउसेस को एक और मीन्स ऑफ पेमेंट मिलेगा जिससे कि वो पेमेंट कर सकेंगी। हालांकि ये राज्यों का अधिकार है और बहुत सारे राज्यों ने इसको लागू कर दिया, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, इन तमाम राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट लागू है, लेकिन सरकार चाहती है कि इस डिजिटल मोड के जरिए वेतन के भुगतान को बढ़ावा मिले, इसीलिए सरकार ने जो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है उसमें बदलाव किया। वाकई कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए हर मोर्चे पर सरकार काम करे जिसके तहत अब सीधे खाते में जो छोटी सैलरी होगी वो जाएगी। बढ़ते आगे, सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 4% घट सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 6% कर सकती है। फिलहाल सोने पर 10% ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी है।
2013 में यूपीए सरकार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 10% उसने की थी और इस साल सोने के इंपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। जनवरी से अक्टूबर तक देश में करीब 500 टन सोने का इंपोर्ट हुआ, हालांकि नोटबंदी की घोषणा के बाद सोने के इंपोर्ट में जोरदार तेजी देखने को मिली। नवंबर महीने में 100 टन से ज्यादा सोने का इंपोर्ट होने का भी अनुमान जताया गया है। मेरे सहयोगी मृत्युंजय के पास जाते हैं। मृत्युंजय, ये जो भारी कटौती की बात की गई है, इसकी वजह क्या बताई गई? देखिए बिल्कुल स्वाति, एक बड़ी खबर है और लगातार इंडस्ट्रीज की डिमांड कर रही थी कि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाए, क्योंकि ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी से यानी 10% इंपोर्ट ड्यूटी से इंडस्ट्री की ये दलील थी कि उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है, इंपोर्ट करना काफ़ी महंगा हो रहा है, और दूसरी तरफ गोल्ड की स्मगलिंग बढ़ रही है और ये सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न था कि तस्करी के जरिए बड़े पैमाने पर गोल्ड का इंपोर्ट यहाँ पर हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार हो सकता है कि इंपोर्ट ड्यूटी 10% से घटाकर 4% कर दे। और ऐसे में एक तरफ एक तीर से सरकार दो निशाना साधना चाहती है, एक तो इंडस्ट्री को भी राहत मिलेगी, इंडस्ट्री भी खुश होगी क्योंकि नोटबंदी के बाद बुलियन इंडस्ट्री का ऐसा मानना है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं उनका कारोबार पे असर पड़ा है, और दूसरी तरफ जो स्मगलिंग हो रही है गोल्ड की उस पर भी लगाम लगेगी। लेकिन आपको बता दें कि 2013 में जब यूपीए सरकार ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 10% की थी तो उसके पीछे दलील ये दी गई थी कि गोल्ड का इंपोर्ट बड़े पैमाने पर हो रहा है और गोल्ड इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए ये फैसला लिया गया था ताकि जो इंपोर्ट का बिल है वो कम हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये फैसला यहाँ पर बदलता हुआ दिख रहा है, लेकिन देखना होगा कि इंपोर्ट ड्यूटी कम होने के बाद इंपोर्ट में कितनी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि शुरुआती 8-9 महीने में इंपोर्ट में काफ़ी गिरावट आई थी, हालांकि नोटबंदी के बाद गोल्ड इंपोर्ट में इजाफा हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट का ये मानना है कि ओवरऑल जो इंपोर्ट है वो कम ही रहेगा क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी काफी ज्यादा है और दूसरी तरफ रुपया काफी कमजोर हुआ है और ये दोनों फैक्टर इंपोर्ट, इन दोनों फैक्टर से इंपोर्ट काफी महंगा होता है। वाकई, और अगर ये बदलाव होता है तो उसके बाद क्या चेंजेस होते हैं इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल मृत्युंजय, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।